फ्रेंड्स, गोली एक, फायदे अनेक। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी एक गोली लेंगे आप और आपको इतने सारे बेनिफिट्स होंगे, इतने सारे फायदे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, ये है त्रिफला गुगलू। त्रिफला चूर्ण के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, त्रिफला गुगलू के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। बहुत से लोगों को ये लगता है कि त्रिफला चूर्ण और त्रिफला गुगलू बिल्कुल सेम होते हैं, पर इसमें थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब तो दूंगी ही कि त्रिफला गुगलू और त्रिफला चूर्ण में क्या डिफरेंस होता है, साथ में मैं आपको इसके फायदों के बारे में बताने वाली हूँ और इसको लेने का सही तरीका बताऊंगी जिससे कि आपको साइड इफेक्ट ना हो और इसकी आदत भी ना लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में। इस चैनल पे आपको ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिंदगी इजी पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिफला, त्री तीन, फला फल, जी हाँ, तीन फलों के मिश्रण से जो चूर्ण बनकर तैयार होता है उसे त्रिफला चूर्ण कहते हैं। तीन फल यानी कि आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये तीन फल तीनों इसमें भी मिले हैं, पर इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिला हुआ है, वो है गुगल। गुगल जानते होंगे, गुगल लोबान हम कई बार पूजा में जलाते हैं, लोबान के साथ गुगल जलाया जाता है, उसी गुगल की बात हो रही है इसमें। इसमें एक्स्ट्रा एक गुगल मिला होता है, इसीलिए इसका नाम त्रिफला गुगलो होता है। तो गुगल जो होता है गोंद जैसा पदार्थ होता है, जी हाँ, गोंद ही कह लीजिए, ये हल्के पीले रंग का होता है और ये सुगंधित होता है। ये पथरी के संक्रमण को रोकने के लिए कारगर होता है। कहा जाता है जब भी कॉन्स्टिपेशन हो त्रिफला पाउडर, त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लीजिए, कॉन्स्टिपेशन एकदम निकल जाएगा। पर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं फ्रेंड्स, इसके अनेकों फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप त्रिफला गुगलू का नियमित सेवन करते हैं तो इससे आपको डायबिटीज, इससे आपको हृदय रोग, किडनी रिलेटेड डिजीज, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज यानी कि स्टमक से रिलेटेड डिजीज, जोड़ों के दर्द में और आईसाइट में इम्प्रूवमेंट आता है, जी हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, पेट से रिलेटेड तो सारे समाधान इसके अंदर समाए हुए हैं। आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उन सबको ये सॉल्व करता है। और फ्रेंड्स, ये कुष्ठ रोग और सूजन को भी समाप्त करता है बहुत हद तक। जब आपका पेट साफ होगा, जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, तो आप जोशीले और फुर्तीले होंगे। तो ये आपको एक तरीके से एनर्जेटिक भी बनाता है और ये एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है, यानी कि जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जिनको मेंटल इलनेस है, उनके लिए भी एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, पाइल्स के लिए तो रामबाण औषधि कही जाती है त्रिफला को, क्योंकि पाइल्स और फिस्टूला जो होता है वो स्टमक रिलेटेड ही डिजीज़ है। आपका आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो ही आपको पाइल्स और फिस्टूला होता है। और अगर आप त्रिफला गुगलू का सेवन करते हैं, त्रिफला चूर्ण का सेवन नियमित रूप से करते हैं, तो आपको इन दोनों से बहुत हद तक निजात मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो जो त्रिफला है वो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इशूज़ के लिए मशहूर है, साथ में अगर आपको पाइल्स या फिस्टूला है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसकी दवा मेन रूप से अगर देखी जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और फिस्टूला के दवा के नाम से ही प्रचलित है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप त्रिफला का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपके वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस रहते हैं। और ये एक ऐसी एकमात्र ऐसी औषधि है आयुर्वेद की जिससे आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस रहता है। ये एक बहुत चमत्कारी मैं कहूँगी एक दवा है वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं त्रिफला गुगलू का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने इंटेस्टाइन से, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, अगर इस तरीके की आपको समस्याएँ दिख रही है स्टमक रिलेटेड, तो आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप पाइल्स और फिस्टूला जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो एक बार त्रिफला गुगलू का सेवन करके देखें, आपको लाभ मिलेगा।
आपके कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत हद तक कम करता है। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। फ्रेंड्स, ये गठिया यानी कि जोड़ों के दर्द में भी काफी लाभकारी होता है। फ्रेंड्स, आपके बॉडी में कहीं पे भी सूजन है उसको दूर करने में भी त्रिफला बहुत हद तक मददगार साबित होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ त्रिफला गुगलू को कैसे इसका सेवन करना है। फ्रेंड्स, तो आपको इसकी एक से दो गोली दिन में दो बार लेनी है। जी हाँ, इसका सेवन आपको खाने के बाद ही करना है, खाने से पहले नहीं खाना है। खाना खाने के एक घंटे बाद ही आप इसका सेवन करें। इसकी दो गोली आप ले सकते हैं, चाहे तो गुनगुना पानी यानी कि नॉर्मल गुनगुना पानी जो होता है उसके साथ आप इसका सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। मेरे पास जो ये जो ब्रांड है त्रिफला गुगलू का, ये लामा ब्रांड है। कि मैंने नया कुछ परचेस करने के लिए इस ब्रांड का लामा का परचेस कर लिया था। आप चाहें तो पतंजलि का परचेस कर सकते हैं, ये आपको पतंजलि स्टोर में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, पर मैंने ये लामा का लिया था। कुछ चेंज चाहती थी मैं, इस वजह से मैंने इसका लिया था। मुझे ये अच्छा लगा है, आप चाहें तो आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ये अवेलेबल हो जाता है। 85 रुपीज में आपको 30 ग्राम ये मिल जाता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन कह सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज त्रिफला की ये होती है कि ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को, जी हाँ, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। ये सबसे अच्छी बात है त्रिफला की, जिस वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल और बाकी जो तमाम समस्याएं हैं आपके बॉडी में वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है और आपका वेट लॉस भी हो जाता है। जी हाँ, त्रिफला मददगार साबित होता है आपके वेट लॉस में। ये वेट लॉस में बहुत हद तक आपकी मदद करता है, क्योंकि जिसका पेट साफ होता है उसको मोटापा कभी नहीं चढ़ता। तो इससे आपका पेट साफ हो जाता है और साथ में आपको मोटापा भी नहीं चढ़ता, कोलेस्ट्रॉल भी आपका नहीं बढ़ता है। फ्रेंड्स, इस त्रिफला गुगलू का इस्तेमाल एक महीने से ज्यादा ना करें। अगर आप किसी बीमारी के लिए खा रहे हैं तो डॉक्टर की परामर्श ले लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, तभी इसका सेवन करें। एक सर्टेन ड्यूरेशन तक इसका सेवन करें। और अगर आप बिना डॉक्टर के सलाह के सिर्फ नॉर्मल सी आपकी कुछ बीमारियां हैं या फिर यूं ही आप इसका अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए खा रहे हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए या वेट लॉस के लिए, जो भी पर्पस हो आपका, हमें बीमारी नहीं होती पर फिर भी हम कुछ चीजों को खाते हैं, कुछ चीजों को इंटेक करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, ताकि हमें हमारे हेल्थ में सुधार आए। अगर उस पर्पस से आप इसका सेवन करते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक महीने से ज्यादा इसका सेवन ना करें। सिर्फ एक महीने आप इसको लगातार लें, उसके बाद इसे लेना बंद कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि इसकी आदत अच्छी नहीं होती। किसी भी चीज़ की हैबिट अच्छी नहीं होती, तो इसकी अगर हैबिट लग जाएगी तो आपको फिर स्टूल पास करने में दिक्कत होगी, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं आगे जाकर। तो इसीलिए इसका सेवन जो है एक ही महीने करें, उसके बाद करना बंद कर दें। और अगर आप पाइल्स, फिस्टुला या गठिया या ऐसे तमाम रोगों के लिए खा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी आम नहीं होती, ये बीमारी बहुत भयंकर होती है और इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए और उनके सलाह पे ही इसका सेवन करना चाहिए। और कितने ड्यूरेशन तक इसे खाना है वो ही आपको सही से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक देना ना भूलें। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस यूज़फुल वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ज़िंदगी ईजी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।